हाय फ्रेंड्स, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल ए ब्लेस ट्रेडर पे। चलिए दोस्तों, ये निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है, टाइम फ्रेम 15 मिनट से। देखिए यहाँ पे ये कल के लिए, कल थर्सडे है और वीकली एक्सपायरी है, तो ठीक है निफ्टी कल कहाँ जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, देखिए यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, तो मार्केट यहाँ पे देखिए कल फ्लैट भी ओपन हो सकता है या तो फिर इसका हाई के ऊपर भी ओपन हो सकता है। लेकिन इसका ऊपर अगर सस्टेन करता है 19,430 के ऊपर, तो ये यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ ऊपर जितना भी जाएगा उसके लिए उस कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, अनलिमिटेड है, यहाँ ऊपर कहीं भी ये 100 150 200 पॉइंट भी मोमेंटम दे सकता है, या तो फिर ये नीचे अगर इसको अगर तोड़ता है तो इसको अगर तोड़ता है, ठीक है 19,340 के इस लाइन को अगर ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो यहाँ तक आ सकता है, और इसको भी ब्रेकआउट करता है नीचे की तरफ तो यहाँ तक आ सकता है। अगर ऐसा कोई ब्योरिश मार्केट हुआ तो इसके बाद इस लाइन के आसपास आ सकता है 19,190 के आसपास, और इसको भी ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे से 19,100 तक आ सकता है। लेकिन ये मेन ये क्या करेगा, मान लीजिए कि यहाँ से अगर मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ पे ये मेन सपोर्ट की तरफ वार करेगा, सपोर्ट नंबर वन। उसके बाद इसका नीचे अगर ये आ जाता है तो यहाँ पे सपोर्ट टू, यहाँ पे भी यहाँ से भी मार्केट रिवर्स मार सकता है। या तो फिर इसका अगर ऐसा कोई न्यूज आ जाएगा या फिर ग्लोबल मार्केट कुछ खराब हो जाएगा तो यहाँ पे नीचे आ सकता है। ठीक है, लेकिन आपके लिए कल के लिए मेन सपोर्ट ये रहा है 19,240, ये मेन सपोर्ट रहेगा। ठीक है, इसका नीचे तो मार्केट को नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ से भी अगर रिवर्स मारता है तो ये टारगेट रहेगा, अगर इसको भी तोड़ता है ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट करता है तो आपका टारगेट ये बनेगा। अगर यहाँ पे अगर थोड़ी देर रुकता है मार्केट ओपन होने के बाद, और यहाँ पे अगर रुकने के बाद अगर ये जाएगा ब्रेकआउट करेगा, यहाँ थोड़ा थोड़ा टाइम यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करेगा और उसके बाद अगर इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो ये ऊपर के लिए कोई भी लाइन नहीं है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे ये मार्केट इसका स्पेस बहुत ज़्यादा है, मार्केट यहाँ से 100 150 200 पॉइंट भी मोमेंटम दे सकता है। तो ये निफ्टी का व्यू है। ठीक है, देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ गया, यहाँ तक आ गया है। ठीक है, अगर इसको ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ तक आना ही आना है मार्केट को। ठीक है, और ये 19,240 50 से कल के लिए मेन सपोर्ट की तरफ वार करेगा। ठीक है, और मैं आप लोग को मैं व्यू बता दिया, अगर इसको तोड़ता है तो यहाँ तक आएगा, इसको भी तोड़ता है तो यहाँ तक आएगा, और इसको भी तोड़ता है तो इस लाइन तक आ सकता है। ठीक है, मार्केट का ये संभावना है। अगर यहाँ से भी अगर रिवर्स मार सकता है, यहाँ से भी रिवर्स मार सकता है, ठीक है, और इसको ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की तरफ के लिए ओपन स्पेस है, मार्केट यहाँ कहीं पे भी ये जा सकता है। ये तो हो गया निफ्टी इंडेक्स का। ठीक है, चलिए मैं दिखा दूं अभी बैंक निफ्टी पे ये कल के लिए क्या व्यू रहेगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, से निफ्टी बैंक का चार्ट है, टाइम फ्रेम 15 मिनट से यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए मार्केट यहाँ पे कहीं पे भी है सपोर्ट की तरफ से भी, यहाँ भी ये ओपन हो सकता है या तो इसके आसपास भी ओपन हो सकता है। ठीक है, ये कहीं पे भी ओपन हो सके, लेकिन हम लोग को यहाँ कहीं पे भी ट्रेड लाइन नहीं लेना है। ठीक है, अगर मार्केट मान के चलिए कि यहाँ पे कहीं पे भी अगर फ्लैट ओपन हुआ और उसके बाद अगर यहाँ थोड़ी देर आधा घंटा 20 मिनट या आधा घंटे के आसपास अगर यहाँ पे अगर कंसोलिडेट किया और उसके बाद नीचे अगर ब्रेकडाउन करता है तो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। ठीक है, और उसको भी अगर ब्रेकडाउन करता है 44,900 को भी तो फिर ये टारगेट रहेगा, और इसको भी ब्रेकडाउन करता है तो ये टारगेट रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर कहीं पे भी अगर फ्लैट ओपन होकर अगर यहाँ पे कहीं भी कंसोलिडेट करेगा यहाँ पे भी 20 से 30 मिनट और उसके बाद इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो पहला टारगेट ये रहेगा। ठीक है, और बुलिश मार्केट रहा तो इसको भी अगर ब्रेकआउट करता है तो इसका भी ऊपर भी ये जगह, इसके लिए बहुत स्पेस खाली जगह है, यहाँ पे ये यहाँ से भी है 300 400 पॉइंट भी मोमेंटम दे सकता है। तो कल ऐसे ही निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है, तो देख लेंगे कैसा वो ट्रेड करता है। ठीक है, यहाँ पे बीच में कहीं पे भी आप लोग को यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, बीच में से लोगे तो फंसोगे। यहाँ पे ये जो मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे आप लोग देखोगे यहाँ पे लेवल्स को ब्रेक डाउन करता है तो पहला टारगेट ये रहेगा, अगर यहाँ से भी अगर कंसोलिडेट करेगा और यहाँ से भी ब्रेकडाउन करता है तो ये टारगेट रहेगा। ठीक है,
और यहाँ से भी यह मार्केट ऐसा नहीं है कि ये नीचे की नीचे तरफ ही आएगा, यहाँ से भी यह मार्केट ऊपर की तरफ ही है ब्रेकआउट कर सकता है, ठीक है। कहीं से भी यह सपोर्ट ले सकता है, कल के लिए मेन सपोर्ट ये वार करेगा, ठीक है, 44,900 ये मेन सपोर्ट की तरफ वार करेगा, ठीक है। यहाँ से भी मार्केट रिवर्स मर सकता है, पहला टारगेट रहेगा, इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो सेकंड टारगेट रहेगा, इसको ब्रेकआउट करता है तो थर्ड टारगेट रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ मान लीजिए ओपन मार्केट यहाँ पे कहीं पे भी ओपन हो गया, अगर यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट किया और इसको भी नीचे अगर सस्टेन करने लगा तो फिर ये इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया तो फिर पहला टारगेट ये रहेगा, ठीक है, और इसके बाद इसका सेकेंड टारगेट ये रहेगा। तो आप इस लेवल को वॉच कीजिएगा, इस लेवल के हिसाब से ये मार्केट ट्रेड करेगा।